आज के सिनेरियो में हमारी जनरेशन में हमारे एज ग्रुप में या कहूँ कि जो आने वाली हमारा नेक्स्ट एज ग्रुप है जो हमसे कम है उनमें ना बहुत ही एक ब्रॉडनेस है कॉमननेस है कॉमननेस भी है ब्रॉडनेस भी है और थिंकिंग uh, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव भी है किसी चीज़ों को लेकर और किसी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी है हम लोग और हमारे पेरेंट्स जो अभी हैं थोड़ा थोड़ा फ्रीडम हमें दे रहे हैं हर एक काम को करने के लिए लेकिन कुछ लोगों के केसेस में रिस्ट्रिक्शंस भी हैं अब यहां पे अगर हमारे एज ग्रुप की बात कर लूं या हमसे जो आने वाला नेक्स्ट कम एज ग्रुप है उसकी बात कर लूं तो उन दोनों में एक कॉमन चीजें क्या है जो भी बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं दैट इज रिलेशनशिप्स मैं आप लोगों से ही बात कर रही हूं कि आप में से बहुत सारे लोग अभी रिलेशनशिप में होंगे है ना आप भी होंगे जो भी मुझे सुन रहे हो अब रिलेशनशिप गुड है या बैड है इसको हम लोग जज नहीं कर सकते हैं मतलब मैं एक साइड नहीं हो जाऊंगी कि रिलेशनशिप इज गुड मैं यहां पे हो गई रिलेशनशिप इज बैड में यहां हो गई नहीं हम लोग इसको जज ऐसे कर ही नहीं सकते हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं हमारे भी दो पहलू हमारी भी दो पर्सनैलिटीज होती, होती, होती है एक बहुत बहुत पॉजिटिव होती होती है है एक एक नेगेटिव में हम बहुत खुश होते हैं एक में हम बहुत गुस्सा आता है सब लोग ऐसे होते हैं है ना या तो बहुत खुश हो जाएंगे या बहुत सैड हो जाएंगे तो वैसे ही रिलेशनशिप के भी दो पहलू हैं अब क्या आपकी स्टडीज को रिलेशनशिप अफेक्ट कर रहा है हाँ कर भी सकता है और ना कर भी सकता है दोनों चीजें हैं लेकिन अगर आप सही मायने में उसको देख रहे हो तो आपको उससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए जैसे मैं आपको पॉजिटिव्स बताती हूँ इसके है ना सिक्के का पहला पहलू जो है पॉजिटिव रिलेशनशिप के क्या है अगर आप अभी रिलेशनशिप में हो या देखो अभी हमारे जनरेशन में एट्टी परसेंट लोग होंगे हमसे पहले वाली में फिफ्टी परसेंट होंगे उससे पहले वाली में थर्टी परसेंट हमारी मम्मी पापा की एज में टेन परसेंट लोग ही थे जिनकी लव मैरिज होती थी या जो रिलेशनशिप में होते थे और आगे आने वाली जनरेशन तो भाई नाइन्टी परसेंट परसेंट सब लोग ही होंगे है ना इसमें कोई भी गलत बात नहीं है लेकिन अगर आप अभी अपने पार्टनर के साथ हो आप रह रहे हो साथ में आप डिस्टेंस में हो आप कैसे भी हो अलग अलग घरों में रह रहे हो लेकिन अगर आपको अपने पार्टनर से पॉजिटिव वाइब्स आती हैं आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है आपको आगे सक्सेस तक जाने के लिए पुश करता है कि तू जा आगे जा तू भड़ तू अपनी सक्सेस को पा तू नौकरी लग तू जो मर्जी कर अगर आपका पार्टनर आपको मोटिवेट करता है सपोर्ट करता है रिलेशनशिप इज नॉट बैड क्योंकि हमें हमेशा एग्जाम क्लियर करने के लिए किसी एक पर्सन के सपोर्ट की जरूरत होती है घर से ना मिले बाहर से मिल रहा है, well कोई बात नहीं, तो मिल रहा है ना सपोर्ट की जरूरत है वो आपको दे रहा है वेल एंड गुड लड़का लड़की दोनों के केस में लेकिन अभी हम लोग सुन रहे हैं ना आई एस काफी सारे अपने इंटरव्यूज देते हैं बोलते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे हेल्प करी मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे हेल्प करी तो हेल्प कर रहे हैं लोग लेकिन अगर आप अभी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो बहुत ज्यादा उससे आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आपको वो रिलेशनशिप छोड़ देनी चाहिए अब मैं ये नहीं कहूंगी एकदम से छोड़ दो क्योंकि रिलेशनशिप जब भी बिल्ड होता है ना उसमें बहुत सारे इमोशंस जाते हैं बहुत सारा हार्डवर्क जाता है हमारा बहुत सारा टाइम जाता है बहुत सारा बहुत ज्यादा लव जाता है उसके अंदर और वो चीज़ से अगर मैं बैकआउट करूंगी तो मेरा माइंड एकदम आई विल गोइंग टू डिप्रेशन नहीं बोलूंगी लेकिन एक डार्क साइड ऑफ माय लाइफ में मैं चली जाऊंगी तो अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो उसको धीरे 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 करके आप कट कर दो क्योंकि वो आपको सक्सेस नहीं पाने देगी लेकिन अगर आप पॉजिटिव में हो आपको पॉजिटिव मिल रही है वाइफ उससे तो आप कंटिन्यू रखो देर इज नो प्रॉब्लम रिलेशनशिप हम लोग बहुत मेहनत से बनाते हैं चाहे हमारी मम्मी पापा के साथ हो चाहे हमारा भाई बहन के साथ हो चाहे फ्रेंड के साथ हो चाहे पार्टनर के साथ हो उसमें बहुत समय जाता है हमारा हमारा दिल उसमें लगता है और वही दिल जब टूटता है ना तो पढ़ाई नहीं होती फिर है ना तो ये डिसीजन आज आप खुद लोगे कि आपको अपने लाइफ से अपने रिलेशनशिप से क्या करना है हाँ करनी है ना करनी है आगे कैसे बढ़ना है और जो लोग रिलेशनशिप में नहीं है आपका एक ही फोकस होना चाहिए मुझे मेरी मंजिल पानी है तो हेलो एवरी वन आई एम स्मृति एंड आई है आई एम हेयर फॉर योर सीरीज डे टेन ऑफ द सीरीज थर्टी मॉक थर्टी थर्टी डे थर्टी मॉक टेस्ट और आई हैव क्लेर्ड एग्जामिनेशन लाइक एस बी एन एलिस पिछले दो तीन सालों से आप लोगों को गाइड करती आ रही हूँ थोड़ा बहुत पढ़ा भी लेती हूँ थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजीज भी बता लेती हूँ है ना मन की बात भी कर लेती हूँ तो ये सब चीज़ें हैं बाकी आपको इस चैनल पे आए हो नए आए हो तो आपको इस चैनल से मेरे बारे में पता चल जाएगा नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना आज के सेशन में हम लोग करेंगे नया एक मॉक टेस्ट बिगिनर लेवल मॉक टेस्ट करेंगे मॉक नंबर थ्री जिसमें हम स्टार्ट करेंगे कौन से और फिर खत्म करेंगे रीजनिंग पे ठीक है तो कर लेते हैं हमें करना है बिगिनर लेवल ये हमारे पेड मॉक टेस्ट है जो आप लोग खरीदते हो वही हम लोग कर रहे हैं जिनको नहीं पता उनको बता रही ठीक है दो हमने कर लिए थे तीसरा हम कर लेते हैं हम लोग कौन सेक्शन करेंगे आपके पेपर में जो इंटरफेस होता है वो ऐसा ही आता है बिल्कुल सेम इंटरफेस सबको सबको सही, सब सही चल रहा है ठीक है और उसी इंटरफेस में कराऊंगी ताकि एग्जामिनेशन में आपके आपको जाके ये ना लगे कि ये मैं क्या करी जा रहा हूँ है ना मुझे तो डर लग रहा है दर नहीं लगना चाहिए न्यू इंटरफेस है दोनों लैंग्वेजेस में होंगी तो प्रॉब्लम नहीं आएगी पेपर भी ऐसे ही आएगा लेवल भी कुछ ऐसा ही रहता है सबसे पहले हम मिसिंग नंबर सीरीज देखो पैटर्न देखो बहुत ज्यादा ज्यादा का गैप दिख रहा है आपको दैट मीन मल्टीप्लीकेशन लगेगा मल्टीप्लीकेशन अगर मैं लगाना चाहूं तो वन इंटू वन वन प्लस वन सॉरी यहां से करूंगी इंटू फाइव प्लस हो गया ये थर्टीन यहां पे इंटू टू होना चाहिए इंटू थ्री होना चाहिए इंटू फोर एज पर जो मैं अभी सीरीज देख रही हूं थर्टीन तक गया दैट मीन या तो ऑड नंबर है या तो प्राइम नंबर है दो केस अगर ऑड से चलू तो वन थ्री फाइव सेवन नाइन प्राइम नंबर होगा प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस थर्टीन मुझे प्राइम नंबर दिखे मुझे मल्टीपल दिखे मुझे चेक करना है इंटू टू प्लस थ्री मेरे पास सेवन आ रहा है ठीक है प्लस 5, 26. 26 फोर हो जाएगा हमारे पास आ, 104 प्लस हम साथ करेंगे तो एक सौ ग्यारह बन गया तो दैट मीनस ये सीरीज हमारी सही बन रही है ये एग्जामिनर की फेवरेट सीरीज है इसमें वो इधर चेंज कर सकता है प्लस माइनस में मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर सकता है लेकिन मल्टीप्लाइड प्लस में और मल्टीप्लाई माइनस में डिवाइड प्लस में डिवाइड माइनस में वो देता ही देता है ठीक है क्योंकि गैप ज्यादा था इसलिए हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन वाला लगाया नेक्स्ट नहीं दिख रहा तो हम लोग गैप लेके देखेंगे इसमें गैप आ जाएगा फाइव का फिफ्टीन का इसमें आ जाएगा फाइव का ठीक है इसमें आ जाएगा कितने का फाइव का नहीं दिख रहा है यहां से कुछ छोड़ो ट्वेंटी uh, टेन तो यहाँ पे भी ट्वेंटी का होना चाहिए ट्वेंटी का तो नहीं हो रहा नाइन का हो रहा नहीं बनेगा मल्टीप्लीकेशन में भी नहीं मुझे कुछ दिख रहा इंटू टू माइनस फोर इंटू वन प्लस फाइव इंटू वन प्लस फाइव नहीं दिख रहा एक चीज मुझे क्या दिख रही है यहां पे देखो किसी से आंसर नहीं निकला निकल रहा तो एक बार प्राइम नंबर से चेक करके देख लिया करो नाइनटीन इंटू वन सेवनटीन इंटू टू थर्टीन अगर किसी चीज से नहीं निकल रहा तो एक बार प्राइम नंबर लगा के देख लिया करो मुझे इनके मल्टीपल्स दिख रहे थे देखो नाइनटीन सेवनटीन थर्टीन इलेवन बीच में कौन सा प्राइम नंबर बचेगा सेवन उसके बाद वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स बन गई सीरीज तो सेवन इंटू फाइव क्या होता है थर्टी फाइव अगर कुछ ना बने तो प्राइम नंबर लगा के देख लेना स्क्वायर देख लेना क्यूब देख लेना ठीक है और अगर फर्स्ट इंस्टेंस में बीस पच्चीस सेकंड खराब करने पे भी आपको समझ ना आए तो स्किप करके आगे बढ़ना पास पास के नंबर्स हैं गैप लेके देख लेते हैं सेवेंटी का गैप लेना है तो फिफ्टी फोर ही है ना गैप का गैप लेके देख लेते हैं फोर्टीन ट्वेल्व दो का गैप आ रहा है यानी कि टेन और एट होना चाहिए इन दोनों के बीच में टोटल का गैप कितना आ रहा है इन दोनों के बीच में आ रहा है 28 का ठीक है यानी कि जो इनका सम होना चाहिए वो 28 होना चाहिए अब मैं माइनस हो रहा है माइनस 10 हो जाएगा 18 और 18 8 हो जाएगा 10 10 दोनों का प्लस भी क्या आ रहा है 28 तो मेरी सीरीज गैप के गैप में सही चल रही है तो यहां पे क्या जाएगा? मा, आ जाएगा माइनस 18 कर लो -18 हो जाएगा हमारे पास माइनस एटीन हो जाएगा हमारे पास कितना फोर एट फोर 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 में से माइनस टेन करेंगे तो फोर सेवेंटी फोर आ जाए ठीक है आगे देखो गैप ज्यादा ज्यादा का है मल्टीपल्स में लग रहा है तो मल्टीपल्स में लगा देंगे इंटू टू प्लस टू इंटू थ्री टू टू पॉइंट फाइव करके देखे टू पॉइंट फाइव से करेंगे तो फोर्टी एट और ट्वेल्व हो जाएगा सिक्सटी प्लस थ्री इंटू टू पॉइंट फाइव प्लस थ्री इंटू थ्री प्लस फोर होना चाहिए देख लेते हैं सिक्सटी थ्री इंटू थ्री हो जाएगा नाइन वन एट्टी नाइन प्लस फोर हो जाएगा वन नाइनटी थ्री अगला होना चाहिए इंटू थ्री पॉइंट फाइव प्लस फाइव ऐसा ही होना चाहिए तो इंटू थ्री करेंगे चेक करके देखना हमेशा हर एक चीज को कि क्या मेरी सीरीज सही बन रही है इंटू थ्री करेंगे तो हो जाएगा नाइन नाइनटीन फिफ्टी सेवन हो जाएगा और पॉइंट फाइव लगाना तो ये हो जाएगा नाइन 96.5 हमारे पास टोटल आ जाता है कितना सिक्स सिक्स सेवन प्लस फाइव करेंगे तो सिक्स एटी पॉइंट फाइव अगला होना चाहिए इंटू फोर प्लस सिक्स तो इंटू फोर कर लेंगे ये हो जाएगा ट्वेंटी थर्टी टू ट्वेंटी सेवन प्लस सिक्स कर लेंगे तो टू सेवन टू एट ऑप्शन नंबर डी ठीक है आगे देखेंगे गैप लेके देख ले क्योंकि मल्टीपल ज्यादा दूर दूर के मुझे नहीं दिख रहे फिफ्टीन ट्वेंटी फाइव थर्टी फाइव इन दोनों के बीच का गैप कितना है एक सौ बीस का तो इनका टोटल भी एक सौ बीस आना चाहिए दोनों का ठीक है अगर मैं लगाऊं इसके बाद फोर्टी फाइव और फिफ्टी फाइव तो इनका टोटल आता है सौ एक सौ बीस ही है ना एक सौ बीस है तो मतलब ये तो नहीं होगा अगर मैं लगाऊं फिफ्टीन ट्वेंटी फाइव थर्टी फाइव यानी कि ये हो जाएगा थ्री इंटू फाइव फाइव इंटू फाइव सेवन इंटू फाइव एक मिनट ये मैं क्या कर रही हूं फिफ्टीन ट्वेंटी फाइव थर्टी फाइव तो ये तो नहीं बनेगा फॉर्टी फाइव और फिफ्टी फाइव हंड्रेड बन रहा है हमें वन ट्वेंटी चाहिए यानी कि बीस और चाहिए फिफ्टी फाइव और सिक्सटी फाइव से बनता है वन ट्वेंटी है ना ये तो हमें पता है फिफ्टी फाइव और सिक्सटी फाइव से बनता है तो फाइव इंटू इलेवन और ये होता है फाइव इंटू थर्टी ठीक है ऐसे बन जाएगा ये हो जाएगा फाइव इंटू थ्री फाइव इंटू फाइव फाइव इंटू सेवन फाइव इंटू इलेवन फाइव इंटू थर्टीन और फाइव इंटू प्राइम नंबर देख लिया ना हमने थ्री फाइव सेवन इलेवन थर्टीन ठीक है वन ट्वेंटी टोटल बनाना था तो ये हो हो जाएगा जाएगा और इसका सिक्सटी सब में कॉमन है और मल्टीप्लाई में हमारे पास प्राइम नंबर है टोटल इनका वन ट्वेंटी बनता है तो ऐसी सीरीज बनेगी नाइनटी प्लस फिफ्टी फाइव हो जाएगा वन फोर्टी फाइव सीधा मत लगा देना थर्टी फाइव फोर्टी फाइव फिफ्टी फाइव इनका गैप भी चेक करके देख लिया करो टोटल कितना गैप आ रहा है ये केसलेट है इजी लग रही है तो इसको प्रायोरिटी पे कर लेंगे जब भी करेंगे ये परसेंटेज में है ये भी इजी है इसको भी प्रायोरिटी पे कर लेंगे ठीक है ये हमारे पास रेशो और परसेंटेज की है तो उन दोनों के बाद ही करेंगे इसको बिना डेटा निकाले सॉल्व करेंगे आज इसको ठीक है अर्थमेटिक है काफी सारा है और ये है हमारे पास ग्राफ ठीक है है ये भी इजी इस इसको भी जैसे सीरियल चलता जाएगा वैसे कर लेंगे ठीक है पहले सिंप्लीफिकेशन देखो 28.57 परसेंटेज 14. पॉइंट समथिंग समथिंग परसेंटेज हमारे पास बनती है वन बाई सेवन फ्रैक्शन में तो ये कितना बन जाएगा टू बाई सेवन टू बाई सेवन से करेंगे तो थर्टी थ्री सिक्सटी सिक्स प्लस ट्वेंटी परसेंट ऑफ सिक्स और फिफ्टी सेवन पॉइंट ये कितना होता है फोर बाई सेवन परसेंटेज टू फ्रैक्शन फ्रैक्शन टू परसेंटेजेज आई होप सबको आती होंगी बारह तो सिक्सटी सिक्स प्लस चौबीस कितना हो जाएगा हमारे पास uh, 90 ऑप्शन नंबर ए आगे देखेंगे 57, अभी मैंने बताया 4 by 7 होता है 7 से काटेंगे तो ट्वेंटी हो जाएगा टू बाय नाइन वन बाई नाइन क्या होता है तो 22 .22 हो जाएगा ऑफ कितना आ जाएगा 134 थर्टी फोर ऑप्शन नंबर ए सब सही चल रहा है ना एक मिनट देख लो ओके okay. आगे देखेंगे 80% ऑफ 420 तो फोर्टी 42, टू कितना हो जाएगा इसको आप ऐसे भी कर सकते हो या तो इसको 10 माइनस टू पढ़ लो या सीधा मल्टीप्लाई कर दो एट टू सिक्सटीन और एट फोर हजार थर्टी टू प्लस वन थर्टी थ्री 64 डिवाइडेड बाय 136 17 डिवाइडेड बाय फोर हो जाएगा ये दोनों डिवाइड में है ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो 17 से ये काटेंगे तो 17 8 हजार बन जाएगा और फोर से ये काटेंगे तो कितना बन जाएगा डिवाइड में है ना डिवाइड में एट और फोर है तो 32 से काटेंगे तो टू बन जाएगा प्लस 2 प्लस x इक्वल्स टू 375 कभी भी आपको कंसेक्यूटिव दिख जाए फिफ्टी इंटू ट्वेंटी फोर्टी फाइव फॉर्टी फाइव टू फिटी फाइव ऐसे नंबर तो जो बड़े वाला होता है उसका करो स्क्वायर. फोर माइनस करो वन थ्री अगर यही होता 25 ट्वेंटी फाइव इंटू थर्टी फाइव तो आप थ्री का स्क्वायर करते नाइन माइनस वन एट एट सेवेंटी फाइव ऐसे करते हैं. तो ये हो जाएगा थ्री थर्टी एट थ्री थर्टी एट माइनस कर देंगे इसमें से तो बच जाएगा सेवन फोर्टी थर्टी सेवन ऑप्शन नंबर डी ठीक है आगे देखेंगे डिवाइडेड बाय हो जाएगा 90, सीधा सीधा कि करेंगे तो ये हो जाएगा 170, 15 करेंगे तो नाइन हो जाएगा 15, 6, 90 होता थर्टी परसेंट करेंगे तो ट्वेल्व हो जाएगा सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टू सिक्सटी टू सिक्सटी नाइन टू सिक्सटी नाइन और या फिर मैं बोलू टू सिक्सटी प्लस ट्वेंटी वन ऑप्शन नंबर सी आगे देखो ये हो जाएगा 80, 3200 टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई फोर्टी एट्टी हो जाएगा ट्वेल्व फोर ज़ार फोर्टी एट फोर्टी एट हो गया सेवन ट्वेंटी नाइन किसका होता है ट्वेंटी सेवन का ट्वेंटी सेवन इंटू एट यही करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास वन ट्वेंटी एट प्लस एक्स इक्वल्स टू इसको आप थर्टी माइनस थ्री भी पढ़ सकते हो एट थ्री जार ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेंटी फोर ठीक है सीधा भी कर सकते हो और ऐसे थर्टी माइनस थ्री एट इंटू थर्टी माइनस एट इंटू थ्री कितना आ जाएगा दो सौ सोलह एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आठ एटी एट ऑप्शन नंबर सी ठीक है ये लास्ट क्वेश्चन है उसके बाद हम लोग डीआई करेंगे वन फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ एटी देखो इसको करो डबल ये हो जाएगा कितना टू नाइनटी परसेंट ऑफ फोर्टी इसको कर दो हाफ इसको करा डबल इसको करा हाफ मल्टीप्लाई कर दो फोर्टी इंटू थ्री एक सौ बीस माइनस चार कितना हो जाएगा एक सौ सोलह कैसे किया मैंने इसको किया डबल इसको किया हाफ ठीक है उसके बाद परसेंटेज से मैंने काट दी जीरो थर्टी माइनस वन पड़ा तो थर्टी इंटू फोर कितना होता है वन ट्वेंटी माइनस फोर किया एक सौ सोलह 6, होता ट्वेंटी सिक्स का, का माइनस छब्बीस में करें ऐड थर्टी नहीं फोर्टी इंटू ट्वेल्व यानी कि ट्वेल्वर फोर्टी एट माइनस किया थ्री एट्टी वन तो कितना आ जाएगा फोर एट्टी में से मुझे निकालना है मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या माइनस किया मैंने ट्वेंटी सिक्स तो ये आ जाएगा नाइन्टी ठीक है प्लस किया मैंने 480 माइनस किया मैंने 381 ये हो जाएगा कितना कुछ तो गड़बड़ किया मैं दोबारा से करती हूं एक बार 145 परसेंट ऑफ 80 इसको मैंने किया डबल 290 परसेंट ऑफ 40 इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो 116 ही आएगा माइनस मैंने किया 26 प्लस मैंने किया 12 फोर माइनस मैंने किया थ्री एट्टी वन यही किया ना तो अब करके देख लो सिक्स में सिक्स गए जीरो नाइन तो नाइन वाला एक ही ऑप्शन है वन एट्टी नाइन फिर भी चेक करके देख लेते हैं टेन माइनस टू इज एट सिक्सटीन सिक्सटीन माइनस एट इज एट ठीक है कुछ गड़बड़ की थी उसमें मैंने कैलकुलेशन की वन एट्टी नाइन आपका आंसर आ जाएगा उसके बाद देखो हमें करना है डी आई तो डी आई सिक्स नंबर से शुरू करते हैं केसलेट स्कूल में तीन डिफरेंट ए बी एबीसी रेशो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन ए टू टू इज टू थ्री इसको मैं यही सॉल्व करूं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगी जो स्क्रीन पे होंगे ठीक है मैं आपको केसलेट uh, का जब डेटा निकाल के दे दूंगी फिर क्वेश्चन सॉल्व करने इजी हो जाएंगे स्कूल में तीन डिफरेंट क्लासेज हैं ए बी सी रेशो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन ए इज टू इज टू थ्री ठीक है टोटल नंबर ऑफ बॉयज स्कूल में है 57.5 परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इन द स्कूल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें दिए हैं 4800 एबीसी जिसमें कुछ बॉयज हैं कुछ गर्ल्स हैं और टोटल है और टोटल सबका कितना है 4800 uh... टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए इज 25% फाइव और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल तो ए में टोटल बच्चे कितने पच्चीस परसेंट इसका 25% करोगे तो बारह आ जाएगा और ए में बच्चों का रेशो क्या था टू इज टू थ्री तो टोटल को रेशो के टोटल से डिवाइड करो एक की वैल्यू आ गई 240 तो so, 240 सौ चालीस इंटू दो चार सौ गर्ल्स एंड बॉयज है तो so गर्ल्स आ जाएगी चार और इन तीन तो करेंगे तो सात सौ बीस हमारे पास बॉयज और गर्ल्स आ गए एक है। उसके बाद देख लो ऑफ़ टोटल नंबर ऑफ़ जो है वो है वो बॉयज तो 4800 का है। तो का परसेंट से दो जीरो काट दी दैट मीन गया हमारे पास तो थोड़ा सा काटा पीटी कर देते हैं इसमें ट्वेंटी फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी इंटू ट्वेंटी फोर तो इसको कर देते हैं सौ प्लस पंद्रह इंटू चौबीस चौबीस सौ प्लस हो जाएगा चौबीस टू सेवन सिक्स अगर टू सेवन सिक्स तो गर्ल्स निकाल लोगे कितनी आ गई टू जीरो फोर जीरो टोटल में से मैंने बॉयज माइनस किए 2040 टू जीरो फोर जीरो मेरे पास गर्ल्स आ गई ठीक है आगे देखो क्या बोलते हैं रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन ए टू बी इज वन इज टू टू A में बॉयज थे सात सौ बीस हो जाएंगे 1440, रेशो था नंबर ऑफ तो दोनों का रेशो कितना आ जाएगा सिक्स टू फाइव यानी कि वन फोर फोर जीरो की वैल्यू कितनी है छे छ की वैल्यू है वन फोर फोर जीरो पांच की वैल्यू निकाल लोगे गर्ल्स आ जाएंगे आपके पास सिक्स टू जार सिक्स फोर जार बारह सौ हमारे पास आ आगे गर्ल्स तो बचा कितना हमारे पास आई मीन टोटल कितना आया टू सिक्स फोर जीरो अब इसमें से हम लोग सी के टोटल बच्चे निकाल लेंगे हमारे पास टोटल आ जाता है थ्री एट फोर जीरो और थ्री एट फोर जीरो इन दोनों का टोटल थ्री एट फोर जीरो इसको मैं यहां से माइनस कर लूंगी तो आ जाएगा नाइन सिक्सटी नाइन सिक्सटी बच्चे हैं सी में और कुछ बोला गया और कुछ भी नहीं बोला गया वट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन सी तो कुछ ना कुछ तो दिया होगा यार ठीक <laughs> है यहां से सी का निकाल ना टोटल देखो इन दोनों का टोटल कितना आया हमारे पास सिक्सटी टू वन सिक्स जीरो टू वन सिक्स जीरो आया तो छह सौ तो आ गए बॉयज और इन दोनों का आया कितना एट्टी वन सिक्स एट जीरो तो इसका कितना आ जाएगा थ्री सिक्सटी ठीक है इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 240 ये आपके पास पूरा टेबल तैयार होके आ गया है सी का मैंने इन दोनों का टोटल किया इसमें से माइनस किया, इस किया इन दोनों का टोटल किया इसमें से माइनस किया इन दोनों का टोटल किया यहाँ से मेरा टैली हो गया कि 960 का टोटल बन रहा है अब आगे वाले क्वेश्चन हम खुद कर सकते हैं ठीक है सबने देख लिया डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए एंड सी ए और सी की गर्ल्स को मिला देना और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए देख लेना दोनों का डिफरेंस निकल जाएगा उसके बाद है एवरेज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन बी बी के जो बॉयज एंड गर्ल्स थे उनका डिफरेंस यानी कि 1440 और 1200 का डिफरेंस 240 उसका आ, 240 और इसका डिफरेंस आ गया 240 प्लस डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए ए के जो बॉयज एंड गर्ल्स थे वो निकले थे सात और 720 और कितने थे 480 तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास 240 इसका एवरेज निकालना दो ठीक है नंबर ऑफ बॉयज इन सी सी में थे 300 थे शायद या 600 600 थे इज वट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल 4800 का तो ये हो जाएगा 1 बाय एट और 1 बाय एट की वैल्यू होती है 12.5 बहुत इजी क्वेश्चन है विद इन सेकेंड सॉल्व होगा अगर आपको कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉग है बॉयज इन डी मोर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सी सी के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 960 और डी के बॉयजेंट ज्यादा है, है इससे 20 परसेंट ज्यादा यानी कि 120 परसेंट है यानी कि छह बटा पांच है तो ये आ जाएंगे डी के बॉयज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन डी डीज 40% मोर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी बीटलो चालीस का कितना परसेंट हो गया वन फोर्टी परसेंट चालीस परसेंट ज्यादा यानी कि सात बटा पांच तो गर्ल्स निकाल लोगे इन दोनों का डिफरेंस ले लेना गर्ल्स आ जाएंगी अगला देखो अब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप, आपको उसका डेटा नहीं निकालना है उसको आपको परसेंटेज से सॉल्व करना है आप क्या करोगे यहां से डेटा निकालना चालू हो जाओगे सबका प्रिंटेड नोट्स का और पागलों की तरह आप अपना टाइम वेस्ट कर दोगे ऐसा आपको नहीं करना है आपको परसेंटेज में खेलना है ना ना कि नंबर्स में खेलना और डेटा मत निकालना क्वेश्चन जैसे डिमांड करेगा वैसे हम देखेंगे हिंदी वाले देख लो एक बार ऐसे कुछ देखने वाला है नहीं हिंदी में

सेंट होते हैं देवस में सालबोनी में होते हैं इक्कीस परसेंट और माइसूर में होते हैं बीस परसेंट ठीक है ये इनका है है अज्यूम करना है कि जो टोटल करेंसी इन चारों जगहों पे प्रिंट हो रहे हैं उसमें नोट कौन कौन से डिनोमिनेशन के हैं पचास रुपए के नोट है बीस रुपए के नोट है और दस रुपए के नोट है सिर्फ और इसके अलावा कोई भी नोट वहां पे प्रिंट नहीं होता है इन बारह सौ में क्वेश्चन बोलता है इन नासिक टोटल नंबर ऑफ करेंसी नोट्स प्रिंटेड इन मार्च इज पच्चीस परसेंट मोर सिक में जो टोटल नंबर ऑफ करेंसी नोट प्रिंट हुए हैं यानी कि चौबीस परसेंट जनवरी में मार्च में उससे पच्चीस परसेंट ज्यादा है पच्चीस परसेंट ज्यादा यानी कि वन बाई फोर वन बाई फोर ज्यादा है नासिक में जनवरी में प्रिंट हुए चौबीस परसेंट परसेंटेज में खेलना है परसेंटेज का पच्चीस परसेंट निकालना है अगर आपको कोई बोले चौबीस परसेंट का पच्चीस परसेंट कितना होगा आप बोलोगे मैम चार परसेंट छसेंट सॉरी आप क्या बोलोगे मैम छह परसेंट तो यानी कि छह परसेंट की बढ़ोतरी होती है मार्च में तो मार्च में कितने हो गए तीस परसेंट अगर आप डेटा निकालोगे तो आप कैसे करोगे चौबीस परसेंट निकालोगे मैं आपको बायोफरकेशन एक्सप्लेनेशन बता रही हूं आप करते क्या हो बारह सो निकालोगे उसमें जोड़ोगे कितना इसका जो डेटा आ जाएगा उसका 6%. आप खेल तो टोटल के साथ ही रहे हो ना तो क्यों ना टोटल में ही परसेंटेज ऐड कर लिया जाए क्यों ना टोटल में ही कर लिया जाए परसेंटेज एड ठीक है तो थर्टी परसेंट हो जाएगा किसका बारह सौ का क्योंकि हमारे पास बेस सेम है तो मार्च में हो गया थर्टी परसेंट ऑफ बारह सो विच इज तीन सौ साठ विच इज इन विच फोर्टी परसेंट नोट आर फिफ्टी रुपीज नोट ये टोटल आ गए अब इसमें फिफ्टी के होंगे ट्वेंटी के होंगे दस रुपए के नोट होंगे चालीस परसेंट है पचास के नोट चालीस तो परसेंट निकाल लो और रिमेनिंग रिमेनिंग नहीं तो हमें टोटल नंबर ऑफ बीस के नोट निकालने हैं तो यहां पर देखो छत्तीस तीन सौ साठ का तीन सौ साठ का साठ परसेंट कितना हुआ सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स टू वन सिक्स ऑप्शन नंबर बी मैंने क्या किया मैंने सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज के साथ खेला मैं टोटल में गई ही नहीं अगर आप यहां से निकालोगे चौबीस परसेंट इसका तो कोई फिगर आएगी उस फिगर में आप छह परसेंट एड चार ऐड कर दोगे कितना परसेंट छह परसेंट एड कर दोगे या मैं बोलूं उस फिगर का आप कितना ऐड कर दोगे पच्चीस परसेंट तो खेल तो आप अल्टीमेटली टोटल के साथ ही रहे हो ना तो इसको सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज परसेंटेज में काम लेना है प्लीज फिगर्स मत निकालना उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है अगला क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा करना उसको

इनकी परसेंटेज को टोटल करो क्योंकि हमारे पास जो बेस है जो टोटल है वो सेम है जब भी हमारे पास बेस सेम होता है तो हम परसेंटेज परसेंटेज के साथ खेल सकते हैं जब बेस सेम नहीं होता फिर फिगर निकालनी पड़ती है दोनों का माइनस किया छह परसेंट आ गया किसका टोटल का तो बारह सौ का छह परसेंट कितना हो जाएगा सात यानी कि सेवेंटी ठीक है सात मतलब साठ परसेंट होता तो सेवेंटी टू आ गया हमारे पास इसका आंसर अगला देखो कैसे परसेंटेज में करना है टोटल नंबर ऑफ करेंसी नोट प्रिंटेड इन देवसेंट सिर्फ परसेंटेज टोटल नहीं लेना Mysore? Mysore में हुए? 20%. तो 35%, 20 से है कितना है पंद्रह परसेंट ज्यादा है किस से बीस परसेंट से इन टू हंड्रेड थ्री बाई फोर थ्री बाई फोर कितना होता है 75%. आप लोग क्या करते हो पैंतीस परसेंट निकालोगे बारह सौ का बीस परसेंट निकालोगे बारह सौ का अल्टीमेटली तो, 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 तो कैंसिल अगला देखो रेशो ऑफ टोटल नंबर ऑफ फिफ्टी ट्वेंटी एंड टेन रुपीज नोट प्रिंटेड इन माइसूर इज थ्री इज टू फोर इज टू वन माइसूर में प्रिंट कितने हुए बीस परसेंट ठीक है किसका बारह सो का बीस परसेंट में फिफ्टी ट्वेंटी और टेन के नोट कितने हैं? रेशो, रेशो, है, कि है? आंसर चाहिए ना डिफरेंस निकालना है इन दोनों का यानी कि थ्री माइनस वन हमें चाहिए दो की वैल्यू चाहिए देखो बीस परसेंट ऑफ बारह सो है ठीक है और हमारे पास रेशो का टोटल कितना है फोर प्लस फोर एट टोटल को काट दो इसको टोटल को रेशो के टोटल से डिवाइड करो एक की वैल्यू कितनी आ गई तीस एक की वैल्यू तीस है तो दो की कितनी हो जाएगी साठ कैसे किया मैंने इसको आप मल्टीप्लाई मत करो टोटल को रेशो के टोटल से मैंने डिवाइड किया काट पीट के मेरे पास क्या बचा तीस तीस मतलब एक की वैल्यू तो दो की वैल्यू निकालनी थी साठ अगर वैल्यूज में खेलोगे तो अभी तक क्वेश्चन सॉल्व होना ही नहीं था फाइंड द एवरेज ऑफ करेंसी नोट्स प्रिंटेड इन नासिक एंड साल्बोनी तो नासिक और साल्बोनी में 24 और 21 का टोटल कितना होता है 45 45 डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे 45% परसेंट डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि मुझे एवरेज चाहिए किसका 1200 का तो 45 6 कितना हो जाएगा 200? सत्तर परसेंटेज आई होप आपको ये वाली पाई चार्ट जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको पेपर में पाई चार्ट इस तरीके से ही सॉल्व करना है प्लीज कोई और तरीका मत अपनाना अगर ऐसा पाई चार्ट आ जाए तो अब इसको मैं बिना डेटा निकाले सॉल्व करवा के दिखाऊंगी आपको ठीक है मैं आपको पिछले सेशन में भी एक बार बोला था कि डेटा आप निकालना चाहो तो निकाल लेना ना निकालना चाहो तो जैसा क्वेश्चन डिमांड करे वैसा सॉल्व कर लेना आपको शो करने के लिए मैं डेटा निकाल के सॉल्व करवा देती हूँ लेकिन आज उस तरीके से भी करके देखते हैं जहां पे हमें डेटा सॉल्व ना करना पड़े ठीक है एंड जिसने भी मेरे को ये सजेशन दिया था थैंक यू मैंने आपका सजेशन आज इम्प्लीमेंट किया आई होप मैं सक्सीड हो जाऊँ उसमें ठीक है थैंक यू तो देखते हैं ओके द गिवन टेबल चार्ट शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीओ एंड क्लर्क वर्किंग इन फोर डिफरेंट बैंक्स एसबीआई आईओबी पीएनबी एंड बीओबी इन द ईयर 2020 2020 के हमें पीओ क्लर्क का यहां पे परसेंटेज टोटल दिया यानी कि एसबीआई में टोटल पीओ और क्लर्क कितने हैं 25% आईओबी में सत्रह परसेंट अब स्टाफ है स्टाफ में पीओ और क्लर्क के अलावा भी लोग होंगे स्के, uh, स्केल टू स्केल थ्री स्केल फोर स्केल फाइव सारे लोग होते हैं अब टोटल ऑफ द एम्प्लॉज में से 25 SBI के प्योर क्लर्क हैं टोटल एम्प्लॉईज में से आईओबी के 17 परसेंट है टोटल में से पीएनबी के 30 परसेंट है टोटल में से बीओबी के 28 और इन दोनों का रेशो दिया है कि इसका जो हमारे पास टोटल निकलता उसमें पी और है उसमें प्योर क्लर्क कितने हैं ठीक है सब सही चल रहा है ओके okay. टोटल हमारे पास पीओ और क्लर्क कितने यानी कि इस का टोटल हमें आठ दिया है इस पूरे का टोटल सारे बैंक्स के पीओ क्लर्क का टोटल हमें 800 दिया है यानी कि अगर मुझे एसबीआई के पीओ क्लर्क निकालना है तो वो 25 परसेंट हो जाएंगे किसका टोटल नंबर ऑफ पीओ क्लर्क का आईओबी निकालना है 17 परसेंट हो जाएगा पीएनबी निकालना है 30 परसेंट हो जाएगा बीओबी निकालना है 28 परसेंट हो जाएगा ठीक है परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीओ एंड क्लर्क यहां पर सॉरी मैंने गलत बताया आपको मैंने आपको बताया टोटल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का पच्चीस का नहीं इन्होंने टोटल का नहीं दिया इन्होंने जो क्लर्क दिए सारे बैंक के मैंने पहले आपको गलत बता दिया I'm really sorry for that. जितने सारे के टोटल है, उसका बताया है, परसेंटेज में। कि इसका परसेंट आईओबी में है इसका 17 IOB में है परसेंट पी एनबी में इसका 30% परसेंट अट्ठाईस परसेंट बीओबी में, है, इसका 28, इसका 28 में है, ठीक है इसका बताया है। और उसका रेशो बताया ठीक है हिंदी जैसा तो इसमें कुछ है नहीं आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीएन क्लर्क वर्किंग इन पी पीओ पी में जितने पीओ क्लर्क है तीस परसेंट और साठ परसेंट उसमें से फीमेल है हमें मेल निकाल सबसे पहले अगर मैं पीओ पीओ पीएनबी के निकालना क्लर्क तो वो तीस परसेंट हो जाएगा किसका आठ सौ का यानी कि दो सौ चालीस हो जाएंगे ठीक है अलग अलग निकाल लें अलग अलग दो सौ चालीस का बायोफर्केशन करने थ्री फाइव में टोटल को रेशो के टोटल से डिवाइड किया एक की वैल्यू कितनी आई तीस आई तो पीओ की कितनी हो जाएगी नब्बे इंटू थ्री क्या इंटू फाइव करेंगे तो क्लर्क आ जाएंगे डेढ़ सौ अब इसका 30%, पीओ का यानी कि सत्ताईस है हमारे पास फीमेल और इसका साठ परसेंट यानी कि नब्बे हमारे पास फीमेल है तो बताओ मेल कितने होंगे मेल कितने हो गए इसके सिक्सटी थ्री प्लस सिक्सटी दैट इज वन टी थ्री ऑप्शन नंबर बी हमारे पास पी एनबी के पीओ क्लर्क आ गए मैंने रेशो से पीओ और क्लर्क निकाल लिया अब इनका तीस परसेंट और इनका साठ परसेंट मुझे दिया हुआ था तो बचे हुए मेल आ गए उनका टोटल कर दिया एक सौ तेईस नेक्स्ट देखो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पीओ एंड क्लर्क वर्किंग इन बीओबी एंड नंबर ऑफ पीओ वर्किंग इन एस बी आई एंड पी एन बी टुगेदर तो टोटल नंबर ऑफ पीओ क्लर्क वर्किंग इन बीओबी कितने हैं बीओबी में कितने है पीओ वर्किंग तो तो निकाल लिए थे नब्बे आए थे ना ये डेटा पास है इसको मैं यूज कर सकती हूँ एसबीआई के मुझे निकालने हैं तो पच्चीस परसेंट था यानी कि दो सौ हो जाएगा दो सौ को मुझे डिवाइड करना है तीन में और सात में टोटल को रेशो के टोटल से डिवाइड किया यानी कि दस से एक की वैल्यू आई बीस तो पीओ की कितनी आ जाएगी साठ ठीक है अब इन दोनों का टोटल कर लो डेढ़ सौ डेढ़ सौ माइनस कर लेंगे एट्टी फोर या सेवेंटी फोर सेवेंटी फोर ऑप्शन नंबर ए ठीक है पीओ और क्लर्क हमने निकाल लिए थे बीओबी के कितने थे 28 परसेंट थे इसकी वैल्यू निकाली माइनस किया मेरे पास इसके पीओ थे इसके पीओ मैंने यहां से निकाल लिए साठ दोनों का टोटल किया उसको माइनस किया आंसर आ गया सेवेंटी फोर नेक्स्ट देखेंगे टोटल नंबर ऑफ क्लर्क वर्किंग इन आईओबी एंड बीओबी टुगेदर इज वट परसेंट मोर देन टोटल नंबर ऑफ पीओ एंड क्लर्क वर्किंग इन एस टोटल नंबर ऑफ प्योर क्लर्क वर्किंग इन एस बी आई कितने की दो सौ चौबीस निकाले थे ना मैंने इसकी वैल्यू मुझे दो सौ चौबीस थी क्लर्क निकालने आईओबी और बीओबी के आईओबी के क्लर्क निकालने तो सत्रह परसेंट है यानी कि सत्रह इंटू आठ टोटल को रेशो के टोटल से डिवाइड करो एक की वैल्यू कितनी आ गई चौतीस चार से डिवाइड करना है एक की वैल्यू चौतीस आई तो तीन की वैल्यू कितनी होगी एक सौ दो हो गई ना थर्टी फोर इंटू थ्री मैंने कुछ नहीं वैल्यूज निकाली है और बीओबी की निकालनी है तो यहाँ पे ट्वेंटी एट इंटू एट था अच्छा मुझे एसबीआई का देखना था ना मैंने यहाँ बीओबी का डेटा लिख दिया एसबीआई का तो पच्चीस परसेंट दो सौ था सॉरी अब बीओबी का निकालना है तो अट्ठाइस परसेंट इसका कितना आ जाएगा या इसको सीधा अट्ठाइस इंटू आठ करो डिवाइडेड बाय टोटल कर दो चार तो मेरे पास कितना आ जाएगा अट्ठाईस इंटू दो छप्पन तो तीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी छप्पन इंटू तीन तो छप्पन इंटू तीन हो जाएगा 168 ठीक है 200 जो है वो इन दोनों के टोटल से कितना ज्यादा इन दोनों का टोटल आ जाएगा 270 270 से कितना ज्यादा है या कितना कम है यही बताया उल्टा लिख दिया मैंने कितना ज्यादा है सत्तर ज्यादा है किससे ज्यादा है दो सौ से ज्यादा है परसेंटेज कितना आ जाएगा पैंतीस नंबर डी, ठीक है? अब अब इतने क्वेश्चन हो गए, अब मैं नेक्स्ट पे चलूंगी मेरे को लगता है कि आपको इसका बेस समझ में आ गया होगा। बाकी के जो क्वेश्चन है, है जैसे मैंने आपको निकाल के बिटवीन पीओ एंड क्लर्क इन आईओबी आईओबी के सत्रह परसेंट सेवेंटीन इंटू एट एट हो जाएगा उसका नहीं डिफरेंस निकालना ना और क्लर्क का

अट्ठाइस इंटू आठ टोटल को रेशो के टोटल से डिवाइड किया एक की वैल्यू आई कितनी छप्पन तो दो की कितनी आ जाएगी छप्पन इंटू दो एक सौ बारह ठीक है अब निकल जाएगा आंसर कितना आ गया एक सौ अस्सी ऑप्शन नंबर डी वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं पड़ी आ, मैं अगली डीआई आपको दिखा देती हूं थोड़े से हम लोग ना आज अर्थमैटिक के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे बिकॉज हमेशा रह जाते हैं इसके सिर्फ एक या दो क्वेश्चन में आपको करा दूंगी फिर अर्थमैटिक पे आऊंगी ठीक है लाइन ग्राफ हमें शो करता है एवरेज ऑफ टू डिफरेंट वाटर कैंस प्लास्टिक और स्टील ऑन डिफरेंट फाइव डिफरेंट डेज ऑल्सो प्लास्टिक वाटर कैन सोल्ड ऑन द फाइव डिफरेंट डेज ठीक है क्या बोलता है

सात सौ बीस हुआ ना एक एक लाइन की वैल्यू अगर एवरेज सात सौ बीस है तो टोटल हुआ चौदह चालीस एवरेज हमारे पास चार सौ अस्सी है चार सौ अस्सी तो टोटल कितना पास है पांच सौ चालीस तो टोटल हो गया एक हजार अस्सी एवरेज हमारे पास है तीन सौ अस्सी तो टोटल कितना हुआ सात सौ साठ एवरेज हमारे पास कितना है चार सौ बीस तो टोटल हुआ आठ सौ चालीस और हमारे पास इसमें से प्लास्टिक कैंस दिए हुए हैं कितने 640 सौ चालीस ये हो जाए ये मैंने टोटल लिखा है एवरेज को मल्टीप्लाई बाय टू किया है एवरेज को मल्टीप्लाई बाय टू करके मैंने टोटल निकाला है इसको मल्टीप्लाई बाय टू इसको मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू क्यों किया क्योंकि दो फैक्टर्स थे ये आ जाएगा कितना 580 ये आ जाएगा हमारे पास चार और ये आ जाएगा कितना प्लास्टिक कैंस हमारे पास आरो के आ गए तीन ठीक है तो हमारे पास टोटल आ गए प्लास्टिक आ गए इन दोनों को माइनस करके आप स्टील निकाल सकते हो टोटल आ गए प्लास्टिक आ गए दोनों को माइनस करके स्टील का आंसर आ जाएगा एवरेज को मल्टीप्लाई क्यों दो क्योंकि हमारे पास यहां पे दो तरीके के कैन है यानी कि दो फैक्टर्स है देखो अगर एवरेज नंबर ऑफ गार्बेज और वाटर कैन वॉटर कैन मतलब टोटल सोल्ड ऑन ट्यूजडे इज एक हजार अस्सी अगर दोनों का एवरेज है एक हजार अस्सी जिसमें से वाटर कैंस हमें टोटल ट्यूसडे का पता है कितने थे ९६० एवरेज है 1080 किसका गार्बेज और वाटर कैंस का वाटर कैन थे ट्यूसडे को ९६० मैंने यहां टोटल लिखा है ना कितना करोगे गार्बेज कैंस आ जाएंगे बारह

तो आपका टाइम वेस्ट होगा जैसे क्वेश्चन डिमांड करेगा जैसे हम लोगों ने चार्ट में किया वैसे ही करना है ठीक है एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ फिर अर्थमैटिक नंबर ऑफ प्लास्टिक वाटर कैन सोल्ड ऑन वेंसडे प्लास्टिक वाटर कैंस हमारे पास वेंसडे के कितने थे रेड लाइन देख लो पांच सौ पांच सौ चालीस सोल्ड ऑन वेन्सडे एंड थर्सडे टूगेदर थर्ेंडे सॉरी पांच सौ चालीस गलत देख लिया ना ये था 580 और थर्सडे का कितना है हमारे पास चार सौ चालीस दोनों की वैल्यू निकाल ली इज हाउ मच मोर और लेस देन द स्टील वाटर कैंस ऑन वेन्सडे एंड थर्सडे देखो इसकी वैल्यू मेरे पास आई थी 580। गलत देखा क्या मैंने 580 और 440 और इसका टोटल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एवरेज है मेरे पास 540 तो टोटल हो जाएगा एक एवरेज है मेरे पास 380 तो टोटल कितना हो जाएगा? डबल कर दो, साथ, साथ साथ। माइनस करोगे, स्टील आ जाएगा माइनस करोगे स्टील आ जाएगा दोनों को ऐड कर दोगे इन दोनों को ऐड किया मैंने और इनके डिफरेंस को यानी कि पांच को और 320 को यानि को कि 820 दोनों का डिफरेंस निकाल लो कितना कितना कम है दिख जाएगा ज़्यादा ही है वैसे तो ठीक क्वेश्चन देख, देख लो सिमिलर जैसा वो बोलेगा वैसा आप निकाल लेना डेटा वैसे मैंने पहले आपको एक्सट्रैक्ट करके दे दिया था अब मैं आऊंगी अर्थमैटिक पे क्योंकि हमेशा रह जाता है वो. ठीक है जितने क्वेश्चन हो पाए अगले तीन मिनटों में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में है बारह एवरेज ऑफ फर्स्ट सिक्स है थर्टी एट और पूरी क्लास की एवरेज है छत्तीस तो मुझे निकालना स्टूडेंट की वैल्यू क्या है तो देखो टोटल में क्लास का टोटल अगर निकालना चाहूं तो नंबर एवरेज होता है उसमें से मैं अगर छे पहले छे का और फिर बाद वाले सात का या जो भी है उसकी टोटल माइनस कर दूंगी तो मेरे पास ये आ जाएगा कि कौन सा बच्चा रिपीट हुआ है देखो टोटल है टोटल छ और छ लेकिन उसने लिया छ और सात ऐसे लिया ना तो टोटल का और इन दोनों का डिफरेंस जब मैं निकालूंगी तो सिक्स स्टूडेंट आ जाएगा मेरे पास इसका सिक्स का कितना है फर्स्ट सिक्स का है थर्टी और लास्ट सेवन का है थर्टी ठीक है सबका डिफरेंस निकाल लो आपके पास जो सिक्स स्टूडेंट है उसकी एज आ जाएगी क्यों क्योंकि टोटल में से मैंने बाकी सारा माइनस कर दिया तो जो बच्चा रिपीट हुआ है वो आ जाएगा रेशो ऑफ एजेस ऑफ राहुल एंड भारती इज इसको एक्स और फाइव एक्स लेंगे इसको फोर एक्स और फाइव एक्स लेंगे ठीक है और केविन की एज हमारे पास है पांच साल ज्यादा भारती से तो ये हो जाएगा फाइव एक्स प्लस फाइव एवरेज तीनों का कितना है पच्चीस साल इन तीनों को एड करेंगे कितना आ जाएगा नौ और पांच तेरह एवरेज है कितना 25 साल यहां से x की वैल्यू आ जाएगी हमें डिफरेंस निकालना है एजेस ऑफ राहुल एंड कैविन राहुल की एज थी 4x और कैविन की है 5x plus 5 इनका जब मैं डिफरेंस निकालूंगी तो मेरे पास x plus 5 आ जाएगा इसको पहले लिख देना x की वैल्यू यहां से निकाली प्लस 5 करना आंसर आ जाएगा ठीक है कांसेप्ट बता रही हूं राजीव जो है उसने 142 मार्क्स स्कोर किए हैं मैथमेटिक्स में ही एक्स मार्क्स इन इंग्लिश मैक्म मार्क्स सारे सब्जेक्ट्स के 200 हैं ठीक है मैथमेटिक्स हिंदी और इंग्लिश सबके टोटल मार्क्स हमारे पास 200 हैं जिसमें से मैथ्स में 142 फोर्टी टू की है हिंदी में उसने 80 परसेंट यानी कि 160 सौ साठ की है और इंग्लिश में किए एक्स ओवरऑल परसेंटेज उसके तीनों सब्जेक्ट्स में रही सत्तर यानी कि टोटल ऑफ तीनों सब्जेक्ट्स उसका परसेंटेज कितना आया सत्तर। परसेंटेज हमारी कैसे निकलती है मार्क्स ऑब्टेंड ये मार्क्स ऑब्टेंड है का टोटल डिवाइडेड बाय टोटल हमारे पास कितने नंबर का पेपर था इन 200 टोटल हमारे पास था 600 नंबर का पेपर और परसेंटेज हमारी निकली है सत्तर। ठीक है तो टोटल ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड कितना हो जाएगा 420 यहां से इंग्लिश के मार्क्स निकल जाएंगे क्योंकि इनका टोटल 420 आना चाहिए x की वैल्यू आ जाएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है रोइंग की स्पीड हमारे पास 24 है यानी कि u की वैल्यू है 24 और v की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6 सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम हमने भी बत्तीस घंटे में कवर किया तो डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन अपस्ट्रीम यू माइनस

इन दोनों की एफिशिएंसी का रेशो निकला सेवन इज टेन नवीन और बाबू का टाइम का रेशो क्या होता है उल्टा नवीन को लगे दस घंटे या दस दिन और बाबू को लगे सात दिन दोनों कंप्लीट कर लेते हैं बीस दिन में इसको टेन एक्स टाइम लगा इसको सेवन एक्स टाइम लगा दोनों को लगे बीस दिन ठीक है अरुण अगर दस दिन कम लेता है नवीन से यानी कि टेन एक्स माइनस टेन लेता है टुगेदर सॉरी जितना उनको इकट्ठे टाइम लगता है यानी कि अगर वो बीस दिन में कवर अप कर लेते हैं तो अरुण को लगेगा दस दिन कम यानी कि दिन अरुण को लगे दस दिन तो बताओ तीनों कितने दिनों में काम कंप्लीट कर लेंगे अब ये लास्ट क्वेश्चन था इसके बाद कोई क्वेश्चन सॉल्व होना नहीं था तो इसको कर लेते हैं टाइम का रिश्व हमारे पास है कितना टेन एक्स और सेवन एक्स नवीन और बाबुआ और अरुण को लग रहे हैं कितने बीस माइनस दस दस दिन ठीक है Uh, दोनों को कंप्लीट करने में लगे बीस दिन टाइम टोटल वर्क ऐसे ही आता ये हमारे पास कितना था टेन एक्स सेवन एक्स और ये हमारे पास था सेवन और टेन यही एफिशिएंसी का रेशो था अगर इनका लेना चाहूं मैं एलसीएम तो इसका आंसर सेवेंटी एक्स आएगा हमें टाइम पता है बीस दिन लगे हैं। टाइम का वैल्यू क्या होता है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ये मैंने आपको इलेबोरेशन बताई है यहां पे टोटल वर्क हम कैसे निकाल सकते हैं टाइम टाइम इनटू एफिशिएंसी कितना लगा इनको सॉरी यहीं से करते हैं टाइम कितना लगा इनको बीस देते तो बीस इक्वल्स टू टोटल वर्क था सेवेंटी एक्स डिवाइडेड बाई एफिशियंसी कितनी थी सत्रह दोनों की दोनों की एफिशियंसी सत्रह थी ना तो कितना आ जाएगा 340 डिवाइडेड बाय सात क्या आ गया हमारे पास टोटल वर्क टोटल वर्क ही आया ना 70x एक्स था ना एक्स की वैल्यू आई ना हमारे पास 340 डिवाइडेड बाय सात तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा चौतीस सौ अब यहां से या फिर इधर से x की वैल्यू पुट करो और फिर तीनों का निकाल लो तीनों का हमारे पास आंसर आ जाएगा ठीक है फ्रैक्शन में आएगा मुझे तो लगता है बाकी लेट्स सी सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आज का मॉक था आई होप आप सब लोगों को पसंद आया हूं डी uh, आईज हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करी आपको मैंने बताया कि कैसे हम लोग टाइम uh, कम अपना स्पेंड करके क्वेश्चन ज़्यादा कर सकते हैं और नेक्स्ट सेशन में मैं कोशिश ये करूंगी कि हमेशा मैं आपको स्पीड बूस्टर करवा देती हूँ फिर डी करवा देती हूँ फिर अर्थमैटिक के लिए टाइम नहीं बचता तो हम लोग स्पीड बूस्टर्स को नेक्स्ट सेशन में हो सकता है दो तीन क्वेश्चन करके स्किप कर दें और अर्थमैटिक हम लोग पूरा कर लेंगे ताकि वो एक क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए ना क्योंकि अर्थमैटिक भी जरूरी है पेपर में आप ऐसे करते हो करते हो कोई बात नहीं लेकिन स्पीड बूस्टर हमने बहुत सारे कर लिए ये मल्टीप्लीकेशन डिविजन नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक अब इसको थोड़ा सा कम करके अर्थमेटिक्स पे फोकस करेंगे जितने लोग भी प्रैक्टिस करते हैं ये हमारी नोटबुक सीरीज है विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट लास्ट ईयर हमारा ये पेड सब्सक्रिप्शन में आता था ये क्विज फॉर्मेट में है जिसमें तीनों सेक्शंस के आपको प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे इंग्लिश क्वांट एंड रीजनिंग और ये होगा आपका सेक्शनल मॉक का काम भी करेगा क्विज का भी काम करेगा सबमिट करके दोगे तो पीडीएफ का काम करेगा आप लोग क्या करते हो पीडीएफ कलेक्ट करके रख लेते हो फोन की मेमोरी फुल कर लेते हो वो चीज आपको नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि यहां से ही आप सबमिट करना पीडीएफ खुल जाएगी उसको सॉल्व कर लेना या फिर क्विज लगाने का मन है तो क्विज लगा लेना पीओ क्लर्क प्री मेन सब मिक्स है इसके अंदर तो आपको हर एक तरीके का क्वेश्चन मिल जाएगा क्वालिटी का इश्योरेंस आपको मैं देती हूँ फ्री टेस्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है जैसे आईबीपीएस क्लर्क का भी नोटिफिकेशन आया तो आप आईबीपीएस क्लर्क का यहाँ से टेस्ट दे लेना और ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो अभी मैं करवा रही हूँ इट इज ऑफ सब्सक्रिप्शन थ्री सेवेंटी फाइव रुपीज का है आप ले सकते हो इंडिविजुअल पैकेज भी अवेलेबल है वो भी ले सकते हो टोटल जो बंडल है उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे जो हमारे 2022 के मॉक टेस्ट थे तो एक चंक इकट्ठा हो जाएगा आपके पास मॉक टेस्ट का तो आप सॉल्व कर सकते हो आज के ये इतना ही था और जो मैंने स्टार्टिंग में आपको चीज बोली थी रिलेशनशिप की उसके बारे में थोड़ा सा सोचना कि आप कौन से पेज पे हो पॉजिटिव पे नेगेटिव पे ऊपर नीचे और आपकी सक्सेस में उसका क्या रोल है अगर पॉजिटिव रोल है गुड गोइंग अगर नहीं है तो थोड़ा थोड़ा करके उससे दूर हट जाओ ताकि आपके दिमाग पे और दिल पे इतना स्ट्रेस ना आए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में टेट गुड लक स्टे हैप्पी बाय बाय वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड